ममता गुप्ता जी जो अध्यक्षा है नशा मुक्ति केंद्र, वो हमारे बीच में उपस्थित है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे जो इस कार्यक्रम के पूर्ण सहयोगी, जिनकी वजह से कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है और जिन्होंने इतनी शिद्दत के साथ मेहनत की है पिछले एक महीने, मैं उन पूरी दोनों दंपति सत्येंद्र सिंह जी और उनकी वाइफ का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत की है, हिंडन महोत्सव को उस मुकाम तक पहुँचाया है जब धारा 144 शहर में लगी हो और कोरोना का संकट दोबारा से प्रारंभ हो गया हो। उस बीच में गाजियाबाद में कितना बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम श्री सत्येंद्र जी और उनकी टीम और उत्थान समिति ने इस शहर में करके दिखाया है। दो दो वेन्यू आपके सिटी फॉरेस्ट और मैम लगा लेंगे सिटी फॉरेस्ट और हिंदी भवन में शाम को बड़े बड़े कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कलाकारों को हमारे बीच में बुलाना वास्तव में एक बहुत बड़े काबिले तारीफ की बात है। उसी कड़ी में, क्योंकि पहले से तय था कि हिंडन महोत्सव के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके बाद एक हम कि जिस उद्देश्य से हिंडन का नाम हमने रखा था कि हिंडन पे एक डीप डिस्कशन हम करें, कि हिंडन मंथन करें कि किस तरीके से हिंडन धरोहर को हम बचा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप तालियों से हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, दूसरे मुख्य वक्ता है श्री वीपी यादव साहब का आप स्वागत करेंगे। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फिलहाल देश के पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, रिवर कंजर्वेशन के लिए, गंगा रिजर्वेशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, आप प्लानिंग के एक मैं कहूँगा स्तंभ है देश के, कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक बहुत बड़ी भूमिका आप निभा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं यही कह रहा था कि ऐसी विषम परिस्थितियों में आप जैसी प्रतिभा, आप जैसे वैज्ञानिक हमारे बीच में आए हैं और धारा 144 है, शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। और हमारे दूसरे में पुनः परिचय करा दूँ, हमारे दूसरे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सिराजुद्दीन अहमद साहब समय से यहाँ पहुँचे थे। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में पर्यावरण इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो पर्यावरणविद वक्ता हैं ज्ञानेंद्र रावत जी, आप भारत के जाने माने पर्यावरणविद हैं, आप आ चुके हैं। राकेश अग्रवाल साहब चेयरमैन ECFO, आप दिल्ली में बड़े लेवल पर पानी बचाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। और मैं कह रहा था कि सत्येंद्र जी और उनकी टीम ने जो एक भव्य कार्यक्रम किया था, तो आज ESTA जो एक गैर सरकारी संगठन है जिसका हम लोग भी कोशिश करते हैं कि देश में पर्यावरण बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए और नदी पुनर्जीवन के लिए हम लोग काम करें, तो उसी के माध्यम से, सभी संस्थाओं के माध्यम से और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और अभी हमारे कुछ साथी रास्ते में हैं, हमने DFO साहब श्री दीक्षा भंडारी जी को भी आमंत्रित किया है, कुछ और हमारे जो स्पीकर हैं वो भी हमारे बीच में आएंगे, कुछ साथी आएंगे। तो मैं पुनः सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपकी पूरी टीम और आपने ये कार्यक्रम जो एक, जैसे कहते हैं ना, अंत भला सब भला, और ये कार्यक्रम एक मुकाम हासिल करेगा। बात ये नहीं है कि लोग कितने आए, ऐसी जगह 50 लोग भी काफ़ी होते हैं, 100-150 लोग आके हम इस गाजियाबाद का कम से कम जो प्रदूषण है हिंडन रिवर का उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे कुछ साथी हैं, हमारे बीच में एक और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हमारे परम मित्र श्री रविंदर चौधरी जी जो ग्रेटर नोएडा से हैं, लेकिन आज वो एक मुंबई में सेलिब्रिटी के तौर पर प्रसिद्ध हैं, भगत राम करके वे बहुत बड़े सटायर और बहुत एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सभी न्यूज चैनल में उन्होंने काम किया है, जो देश के प्रसिद्ध चैनल है, वो हमारे बीच में पधारे हैं। उन्हीं के साथ विजेंद्र सिंह सादापुर गांव से हैं, किसान नेता हैं, देवराज बैसोया जी, अमित बैसोया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सत्या सांडिल्य जी कॉरपोरेट से हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।